धन वाहिगुरु साहिब जीओ बाबा जिस तों दे सोई जन पावे ता सो जन देहे जिसनु होर क्या करें बेचारिया एक परम भूले फिरे दें दिश एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना पाना पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हों दा बिन्या होया मन हर एक प्राप्ति नूं वो अपनी प्राप्ति समझदा है, पर हों दी मैल तो निर्मल होया मन हर एक प्राप्ति नूं रब्बी प्राप्ति समझदा है। वो कदे अपना दावा नहीं बनता, वो कहिंदा है सारी प्यारे की बख्शिश है, पर उन्हों इस गल का भी एहसास है भई रब्बी बख्शिश कदे खरीदी नहीं जाती। बख्शिश कदे भी खरीदी नहीं जाती, बख्शिश लई तां पात्र बनना पैंदा है। जिहड़े पात्र ना बन सकण वह अरदास कर सकते हैं, उदे लायक बनना पैंदा है। मैं अपने हिरदे नूं उन्हां गुणां नाल शिंगारना है जिहड़े गुण मेरे मालक नूं पसंद ने, ताकि मैं उहदे दर ते बख्शिश दा पात्र बन जावां। मैं उन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन विचों कढ़ना है जिहड़ियां मेरे साईं नूं पसंद नहीं है, मैं उन्हां औगणां दा त्याग करना है। इहो ही अपने आप नूं सवारना है। यकीन करके जाणियो, जे मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं गुणा नाल अपने आप नूं नहीं शिंगार सकता, मैं औकड़ा नूं नहीं कढ़ सकता, दूजे एक तरीका यह है गुरु चरणा विच निमाणा होके अरदास करे, फिर भी गुरु बख्शिश करता है, फिर भी गुरु रहमत करता है। जिहड़े ऐसियां अरदासां करदे ने, जेता समुद्र सागर नीर भरिया चेते औगण हमारे, दया करो कश्मीर उप पावो डुबदे पत्थर तारे। जिहड़े ये अरदास करदे ने, मालक जी मेरे जीवन अंदर अनेक ही औगण ने, मैं किहड़े किहड़े की गल करा, असी खदे बहुत कमामदे किश अंत ना पारा बार, हर कृपा करके बख्श लहो हम पापी बड़ गुनह। सच करके जाने और रहमत उहदे ते भी हो जाती है। जिस मनुख दे उत्ते रहमत हुंदी है उहनूं इह आनंद दा परम रस मिलदा है, उहदे जीवन विचों भरम दी अवस्था खत्म हुंदी है। शब्द नूं नाल नाल लै के चलीए ताकि आपां गुरमति विचार सारी समझ सकीए। बाबा जिस तों देहे सोई जन पावे, बाबा शब्द का फारसी का लफ्ज़ है, यह बाबा का अर्थ होंगे सियाना बजुर्ग दाना। हर रिश्तेदारी का एंड जिहड़ा वह बाबा ही है। रब लई शब्द आख्या बाबा, हे परमेश्वर जिस तू दे जिन्हों तू दिना, जिन्हों तू रहमत करके दस बख्शिश करता है, यह आनंद की दात दिना। सोई
जन पावे। आ शब्द बड़ा प्यारा है। हुण मुश्किल की बनती भी मैं अपने आप नूं तां बदलाउंदा नहीं। दोनों चीज़ों विचों जदों विछोड़ा हुंदा है तां एक चीज़ तब्दील हुंदी है, या तो मैं तब्दील होया जां रब तब्दील होया। हुण रब ते कदे तब्दील नहीं हुंदा, उह ते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। फिर तब्दील ते मैं होया, मैं की तब्दील होया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रब नूं भुला के मैं अपने गुण गाड़ ले, औगणा दी पंड बनी बैठा। तो हुण मैं मालक दे चरणां विच किवें प्रवान हो सकना। साहिब जी आखते ने, कहण लगे भलियो जदों दोनों का विछोड़ा पिया, हुण जे मैं विगड़िया है मेरे च तब्दीली आई तो सुधारना भी तो मैनू ही पैना, अपने आप नूं सुधारना पैना। असी रब नूं लम्मे जाई जाने पर अपने आप नूं नहीं कदे सोचते। वह तब्दील नहीं होया, उस ते सदीप कालिक हो गया। हुण आ पंक्ति बड़ी प्यारी है, बाबा जिस तों दे सोई जन पावे। वो जन बने, सेवक बने। असी जन तां बनन नूं तैयार नहीं, सेवक तां बनन नूं तैयार नहीं। ते उहनूं लम्मे जाई जाने भी तू कुछ देंदा नहीं है, तू कुछ मैनूं बख्शिश नहीं करता। उत्ते बख्शिश करदा है। मैं एक निक्की जी बेनती करके अगे तुरा, तुसी नित दिहाड़े आशा की वार विचों बचन पढ़ते हो, सुनते हो, विचारते हो। उहदे च दो नौकरां की गल कीती है, दो चाकरां की गल कीती है। कम दोवें कर रहे ने, किता इको जिहा है, किते विच अंतर नहीं। भी एक अफसर लगा होवे कि नीवीं किसी पदवी ते होवे, नहीं, इको जिहे ने दोवे। पर एक दी चाकरी इहो जिही है, वो अपने मालक तो तनखा तो भी कितने ज़्यादा वध बख्शिश ले जाता है, दुगुना। एक वो है जिहड़ा अपने मालक को अपनी बनती तनखा भी कटवा बैठता है। हुण कारण की है, दोनों का जिक्र गुरबाणी विच है। चाकर लगे चाकरी, नाले कार विवाद, गल्लां करे कनेरियां, खसम ना पाए साध। साध दा मतलब हुंदा खुशी, शाद शब्द तो बने, शादी भी शब्द इतने बने। आप लम्मा खिलारा ना पाइए। वो अपने जीवन में खुशी प्राप्त नहीं कर सकता मालक की। चाकर लगे चाकरी, चले खसमे पाए, हुरमत जिसनों अगली वो वजों भी दूना खाए। वजों का मतलब होंगे जो उन्होंने महीना मिलना है, जो उन्होंने गुजरान लिए पैसे मिलते हैं, वह उदों भी दुगना खा लेना। हुण एक दे उत्ते मालक की बख्शिश होगी क्योंकि उन्हें कम इहोजा कीता है। सच करके जाने हो, धर्म की दुनिया में जेडे लगन ला के कम करते हैं, मैं छोटे छोटे दृष्टांत तुहानूं दिंदा रहांगा। एक नमाज पढ़ी है सुल्तानपुर लोधी, धार्मिक स्थान ते ने नमाजा पढ़ रहे ने, पर याद रखियो मन करके वह घोड़े बेचण ते खरीदण च लगे हुए ने। सुल्तानपुर की साखी तुसीं सारे जानते हो, गुरु नानक साहिब जी ने उन्हें समझाया सी भी ये नमाज नहीं अदा कर रहे। दूजे पासे वो जिहड़ा एक गुड़ की रोड़ी ते लग्या नमाजा करना। एक गुड़ की रोड़ी की होंदी है, तुसीं किसी नूं कहो भी एक गुड़ की रोड़ी नाल बंदा इत्थे तक पहुँच के उहदी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज है, दरबार साहिब प्रकाश है। माँ गुड़ की रोड़ी जी सी ना, तो शेख फरीद गुड़ की रोड़ी नाल इहोजिहा नमाजा पढ़न लग पिया। एक दिन वक्त आया इश्क मुहब्बत की, उन्हें नमाज पढ़ी, रब दे सच्चे खुदा की इश्क मुहब्बत की नमाज पढ़ी, तो उस दिन रस आ गया। कह लगे माँ हुण गुड़ की लोड़ नहीं, हुण मैनूं शहद की लोड़ नहीं, हुण अंदर उहदी दात बख्शिश हो गई है मेरे ते। गुड़ की रोड़ी तो उठ के, शहद तो उठ के, दुध तो उठ के, शक्कर खंड तो उठ के उन्हों रबी रस आ गया हो प्यार वाले। साहिब आखते ने, कहते ये दात मेरे मालक की है, ये जोर नाल नहीं मिल सकती। कोई कभी मैं बड़ियां समाधियां ला के ऐसा कर सकना है, नहीं प्यार वाले। हो गुरु अंगद साहब की उम्र छोटी है पर सत्तर साल बख्शिश ले गए। गुरु अमरदास की उम्र वडेरी है, लम्मा तजर्बा है, पर उन्होंने 12 साल लग गए। गुरु अमरदास जी को 12 साल लग गए, गुरु हरकृष्ण साहब जी 5.5 साल विच ही गुरु बन गए। ये उहदी बख्शिश है, वह किनू देंदा है। उहदे बस चरणों में डिग के बेनती करन की लोड़ है।
पावे तो सोजन देह जिसनों होर क्या करे बेचारिया बेचारा कोई की कर सकता है। इतने कोई जोर जमाई नहीं है भाई मैनू मेरिया समाधिया का मैनू मेरे सिमरन का मैनू मेरे पाठ का मैनू मेरी सेवा का ये फल मिले ही मिले ऐसा नहीं है। निर्माणता नाली बेनती करनी पैंदी है। एक परम भूले एक दा अर्थ है कुछ लोग वो भरम पै के भुले हुए ने भरम कहिंदे किनू ने बड़ा प्यारा बचन है गुरबाणी विच माधवे क्या कही है भरम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। भरम कहिंदे ही उन्होंने भुलेखा कहिंदे ही उन्होंने जिहड़ी मेरी सोच ते इहो जिहा पर्दा पा दे मैं किसे नकल नूं असल समझण लग पावां ते बहुतात दुनिया है जिहड़ी भरम नूं धर्म समझ के कमाई जांदी है भरम है पर उन्हूं धर्म समझ के कमाई जांदी है। जिस दिन गुरु दे कोल आया गुरु ने कृपा कीती भनत नानक भरम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिब लागी है पीतर सतगुर स्यो मन मानिया कहो नानक गुर खोए भरम एको अल्लाह पार ब्रह्म। गुरु कोल आके गुरु कोल असीं क्यों नहीं आउंदे डरदे क्यों हैं क्योंकि असीं भरम की दुनिया च रहना हिले हुए हैं असीं भरम की दुनिया नाल अपनी दुनिया शिंगारी बैठे हैं ते गुरु भरम तोड़दा है गुरु हकीकत तो जाणू करवाउंदा सानूं हकीकत नाल सानूं रूप रूप करवाउंदा है। तो गुरदेव सच्चे पातशाह कृपा करदे ने कहिंदे दीगन डोला तौलो जौलो मन के भरमा भ्रम काटे गुर अपने पाए विश्राम। भरम ते भटकना इन्हां दोनों की बड़ी नेड़ता है। भटकदा ही मनुख उदों जदों भरम विच पै जाए जे भरम ना होवे तां मंजल ते चला जांदा है भटकना खत्म हो जाती। याद रखियो मैं एक बेनती करा कोशिश करिया करिए गुरु कोल आके सीखण की भी गुरु कृपा करे ते मैं भरम की दुनिया विचों निकल जावां। ऐसे भरम भुले संसारा जन्म पदार्थ खोए गवारा ये भरम विच पै के अपने हीरे वर्गे जन्म नू भी बेकार गवा के चला जांदा है। बड़ी दुनिया है जिहड़ी भरम दे विच पई होई है। कोई तीर्थां ते जांदा है गुरु भरम तोड़दा भी तीर्थ नहावां जे तिस भावां बिन भाणे के नहाए करी जे मैं तीर्थां ते तां नहावां साईआं जी तैनूं चंगा लगदा होवे तैनूं ते चंगा ही नहीं लगदा फिर मैं कादे लई नहाउणा है। देखो किटे भरम दे विचों सानू गुरु जी बाह पकड़ के कढ लैंदे ने। वह मनुख के जीवन विच भरम नहीं हुंदा उहदे जीवन विचों भरम खो जांदा गुआच जांदा। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोटो मन के भरमा केवल नाम जपो रे प्राणी पर वो एक की शरणा। उहदे जीवन विचों भरम नच जांदे ने जिन्हें गुरु के चरणों में आके सच हकीकत नूं पछाण लिया। बड़े ऐसे बचन ने पाठ पढ़े अर वेद विचारियो निबल भयंगम साधे पंच जना शिव संग न छुटक्यो अदक अहंग बुद्ध बाधे। प्यारे इन विच मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार परयो स्वामी कै द्वारै जीजै बुद्ध बबीका। इस कर्म कांड की दुनिया विचों गुरु कढ लैंदा है गुरु दस दिंदा पुत ये राह रब्बी प्यार वाला निरंकार दे मिलाप वाला नहीं है ये भरम है जिन्हों असी भरम नूं धर्म समझ के कमा रहे हैं। मैं एक दो छोटी छोटियां गल्लां तुहाडे नाल विचारां होर सांझियां करां ताकि आपां नूं पता लग जाए। बड़ा प्यारा बचन है गुरु की बाणी दा सोने का चौंका कंचन कुआर। कुआर दा मतलब हुंदा है घड़े कोले घड़े हर बारी नवें घड़े का पानी वरतद सोने का चौंका बना बड़ा पवित्र है। सोने का चौंका कंचन कुआर रूपे किया कार बहुत विस्तार गंगा का उदक रूपे दिया कार चांदी दिया कार कढ़िया ने चारे पासे बड़े मंत्र पढ़े। शिव जी आखते ने गंगा का उदक उदक का अर्थ हुंदा पानी
गंगा का पानी वरते, हर काम च गंगा का पानी वरते। करंते की आग एक किस्म का एक लकड़ विचों आपस में घसा के उहदे विचों पैदा की हुई अग। यह नहीं भी किसी को अक्सर पुराने समय के अग उधारी मंगिया करते सन। मेरा ख्याल मेरी उम्र वाले पता होगा घर में एक गोहा दब देंदे होंगे सन भी अग जी बार बार तीली ना खर्चनी पवे। उदों वाधू हों से बालू तो जे किसी के घर अग मुक भी जानी तो दूजे तो अग ले लिया करते सन। अग न आई घरवाली होके बैठ के योजना कहावतों में भी सू पुरा किस्सा झलकता है। खैर जी मैं बेनती कर रहा सो कहने अग मंगवी ना हो किसी ने कुछ ना बनाया होजी सुची अग बाले। गंगा तो उदक करंते की आग, गरुड़ा खाना दुध सिंगाड़। कहते दुध में चावल उबाल के सिर्फ उ खाता हो। देखो कि कुछ कर्म कांड है तो साहब ने निर्णय पता की दिता है, रे मन लेख है कबू न पाए जाम न भीजे साचे नाई। कहते सारा कुछ तेरा किसी काम नहीं आना जे तू रबी याद बिच ना जुड़िया मना, जे तू परमेश्वर के चरणों बिच ना जुड़िया मना। ये सारे तेरे कर्म कांड ने, एक किसे भी लिखे नहीं पैने। हजूर ने कृपा की एक भरम भूले, एक भरम पै के भुले हुए ने, नहीं पता उन्होंने सच हकीकत का, नहीं समझते। एक मैं बेनती और कर लगा, वो थोड़ी करड़े शब्दों में है, मैं उस तो पहला माफी मांगना है। अजोके समय च गुरुद्वारों में भी ये एक बहुत बड़ा भरम पै गया। जेड़े लोग जेड़े गुरमुख प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करवाते हैं, कई तरह के ग्रुप होंगे ने, तुसी देखते हो कोई लंगर च सेवा करता है, कोई सुखासन की सेवा रोज करवाउंदा है, कोई रुमालिया की सेवा करता है, कोई चादर की सेवा करता है, कोई बर्तन की सेवा करता है। सारिया ही मुबारक ने, बहुत वधिया करते हो, माड़ी गल नहीं। पर असी रुक गए, असी सोचिया इहो ही है, नहीं इहदे नाल नाल एक गुरु का उपदेश है जिन्हें साढ़े जीवन में बदलना है। इन्हों सेवावां दे नाल नाल साढ़े जीवन में बदलने वाला तो गुरु का उपदेश है, उन्हों जीवन में धारण करना चाहिए। गुरु नानक साहब जी ने जितनिया, वैसे सारे प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म का जिक्र है भी समुचे पीर पैगंबर तो उन्होंने सब तो लंबी यात्रावान गुरु नानक साहब ने कीतिया। तो मैं बेनती करा उनकी बाणी का नितनेम तो बहुत बारी करते हैं, पर उसके दिते हुए असूलों का भी कदम नितनेम करके देखिए, वो भी नितनेम जीवन में अपनाइए, मेरा गुरु मैनू की कहता है। तो गुरु जी ने सारियां नूं भरम विचों ही कढ़िया सी, भरम विचों ही कढ़िया सी, जीवन का चानण उन्होंने दिखाया सी। वो चमे एक निक्का जिहा दृष्टांत तुहानूं देण लगा। हरिद्वार की धरती है, गुरु नानक साहब जी ने अमृतमयी बाणी पढ़ी, कोल बैठे चौंकड़ा मार के भाई मरदाना जी अरबी रस माणदे ने। कुछ दूरी उत्ते एक बंदा, उहदे थोड़े जे वस्त्र पहने हुए ने, ते उहने कड़े वेले दा लग्या होया अमृत वेले दा, पहला वो मंत्र पढ़दा है, फिर वो कारा कढ़दा है, फिर वो चुल्हा खोलता है, फिर वो बर्तन साफ करता है, फिर वो अनाज उत्ते कई तरह के मंत्र पढ़ता है, वो सारा कुछ करके खाना बनाउन लग पिया। जदों उहने भांडे विच कड़छी पा के हिला रहा है, उदों गुरु नानक साहब जी ने भेजिया, कहन लगे उस साध कोलों अग ले गया, पर अग चढ़दे पासे खलो के मंगी। उहने चढ़दे वाले पासे खलो के अग मंगी ते वो कल्प गया, कहन लग्या भी ये उही है हरिद्वार विच जिहड़ा कल पानी पुठे पासे दे रहा सी गुरु नानक साहब दे नाल, ये उही है। ते उहने पछाणिया सी, चर्चा तो हो चुकी हुई सी।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਮੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਗਏ ਕਰਜੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗ ਭਜਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਲਿਓ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਲਪੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਮਰਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਏਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਏਡਾ ਪੱਕਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਪਕੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਬੜੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੁਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੁਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਏਡਾ ਪੱਕਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਦਹਿਨ ਦਿਸ਼, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖਲੋਤਾ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝਲਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਡ ਦਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨੇ ਏਡਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਬੁੱਲਣਾ ਤਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਪੁੱਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਚ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਧ ਕਾਰੀਆ
ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਖਿੱਜ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਨ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਨ ਰਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਡਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਮਕੰਡੀ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ, ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਮਕੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੈ ਦਹਿ ਦਸ਼, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸ ਦਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਰਾਥੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਡਾਨਾ, ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਰੱਬ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਭਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਂਡ ਖੀਰ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਬਹੂੰ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੇ, ਕਬਹੂੰ ਪੂਰਨ ਚਨੇ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਐ ਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਛ ਕਥਨ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਘਾਹ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘੱਟ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਾਟੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਾਟੇ ਪਿੱਛੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਵਾਨ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ, ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਪੰਜ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਆ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾਰੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇਹ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।